हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी जेई के टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट लगाने का क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और जो मेरा पहला मॉक टेस्ट था मेरे कितने मार्क्स थे, और आपको मोटिवेट करने वाली है ये वीडियो, क्योंकि मेरे फर्स्ट मॉक टेस्ट में आप जैसे कि देखोगे यहाँ पर बहुत ही कम मार्क्स थे। और उसके बाद कंटिन्यूसली मॉक टेस्ट लगाने का क्या फ़ायदा होता है वो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊँगा। ये मेरे फर्स्ट मॉक टेस्ट से लेकर 10-15 मॉक टेस्ट मैंने दिए हुए थे, ऑफलाइन दिए थे। हमारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट था वहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से मॉक टेस्ट दिए जाते थे, लेकिन उस टाइम मैं जस्ट मैंने स्टार्ट की थी तैयारी करनी, तो मैं पहले ऑफलाइन ही टेस्ट दीज देता था। तो इस वीडियो में देखते हैं, फर्स्ट जो मेरा मॉक टेस्ट था वो यहाँ पर आप देखोगे, वो मॉक टेस्ट नंबर 110 मेरा वो पहला मॉक टेस्ट था, और उसमें मेरे मार्क्स थे 200 में से 21.5। तो ये ओवरऑल मार्क्स थे मेरे 200 में से 21.5 मार्क्स। तो आप देख सकते हो ये इस यहाँ से मैंने 148 मार्क्स तक किस तरीके से गेन किए 2018 के एसएससी जेई में। प्री में मेरे 148 मार्क्स थे 200 में से, और यहाँ पर मेरे पहले मॉक टेस्ट में 21.5 मार्क्स थे। तो किस तरीके से आप अपनी इस जनरी को एक अच्छा मोड़ दे सकते हो, किस तरीके से कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करके आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो ये था मेरा पहला मॉक टेस्ट, मेरे सारे मिला के रीजनिंग जीएस और टेक्निकल सब मिला के 21.5 मार्क्स आए हुए थे फर्स्ट मॉक टेस्ट में। अभी सेकंड मॉक टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो फिर मैंने कुछ मेरे यहाँ पर मार्क्स बढ़े। सेकंड मॉक टेस्ट मेरे 32.75 मार्क्स थे, ऑलमोस्ट 32 मार्क्स मेरे यहाँ थे सेकेंड मॉक टेस्ट में। अब बात कर लेते 33वें मॉक टेस्ट, जो थर्ड मॉक टेस्ट था मेरा, उस थर्ड मॉक टेस्ट में मेरे मार्क्स थे 33.5। तो आप देख सकते हो धीरे धीरे ही चीज़ें इंप्रूव होती हैं। ये हर सप्ताह मैं मॉक टेस्ट देता था, जैसे मैंने तैयारी करने स्टार्ट की उसके एक सप्ताह बाद से ही मैंने मॉक टेस्ट देने स्टार्ट कर दिए थे। और हर सप्ताह मॉक टेस्ट देने का क्या फ़ायदा होता है ये अभी आप इस वीडियो में कंटिन्यूसली देख सकोगे। पहले मार्क्स थे 21, फिर दूसरे में 32, फिर तीसरे में 33, फिर चौथे की अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे मार्क्स थे 41। सो कंटिन्यूसली मॉक टेस्ट आप तो कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकते हैं वो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, और क्या इंपॉर्टेंस रहती है मॉक टेस्ट की आपके सिलेक्शन में। तो ये मेरे फोर्थ मॉक टेस्ट था, इसमें मेरे 41 मार्क्स थे। फिर फिफ्थ की अगर मैं बात करूँ, फिफ्थ में मेरे 43 मार्क्स थे गाइस, 43.75। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, प्रैक्टिस यही आपके मार्क्स इंक्रीज करा सकती है मॉक टेस्ट में और आपके फाइनल रिजल्ट में भी। और फिर सिक्स में मेरे मार्क्स थे 48, 200 में से 48 मार्क्स। तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा था जैसे जैसे मैं हर सप्ताह मॉक टेस्ट दे रहा था। फिर सातवें मेरे मॉक टेस्ट में 54 मार्क्स थे, 54 मार्क्स थे। तो अभी देख सकते हो पहले और सातवें मॉक टेस्ट में ही 21 से 54 तक मैं पहुँच गया था। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यूसली मॉक टेस्ट देते रहना है, अपनी जो परफॉर्मेंस है उसे एनालाइज करना है, देखना है कि कहाँ पर आप गलती कर रहे हो, कौन कौन से क्वेश्चंस आप के सही हो रहे हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं, फिर उस क्वेश्चन पे जाके आपको उसके कॉन्सेप्ट पे जाना है। जैसे ये आकृति वाला क्वेश्चन है यहाँ पर कि त्रिभुज कुल कितने त्रिभुज हैं, तो इस तरीके के कुल रेक्टेंगल्स भी पूछे जाते हैं, कुल ट्रायंगल्स पूछ लिए जाते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं इसके कॉन्सेप्ट पे आपको जाना है। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो फिर उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लेना है, फिर इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना है। तो इस तरीके से आपको मॉक टेस्ट लगाने का मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है पिछले प्रीवियस टेस्ट में, जो नहीं बना है वो आपको अगले टेस्ट में आपसे नाट के आप उसे अच्छे से सोल्व कर सको, इसके लिए आपको उस क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेना है अलग से, और उसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेना है, और उसके मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए लगाने हैं। फिर नौवें मॉक टेस्ट में जो मेरे 50 मार्क्स थे यहाँ पर 54 से 50 हो गए थे। तो ऐसा नहीं होता है कि कंटिन्यूसली बढ़ते भी रहते हैं, एक दो टेस्ट में आपके घट भी सकते हैं मार्क्स, वो टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। फिर 10वें मॉक टेस्ट शायद ये मैंने चेक किया था, लेकिन इस पर बाहर मार्क्स नहीं लिखे हुए हैं। ये तब की मॉक टेस्ट है जब मैं तैयारी कर रहा था 2017 के अक्टूबर सितंबर की बात है। उसके बाद ये मेरा 11वें मॉक टेस्ट है, यहाँ पर भी मैंने मार्क्स नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन ये आप देख सकते हो किस तरीके से मैं सॉल्यूशन किया करता था। तो जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है उस क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लेना है, उसके कॉन्सेप्ट पे जाना है, और कॉन्सेप्ट के थ्रू क्वेश्चन को क्लियर कर लेना है। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद उस क्वेश्चन की मैक्सिमम प्रैक्टिस लगानी है,
ठीक है गाइस, सो ये 11th मॉक टेस्ट था। मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाए हुए हैं, ये कुछ उसमें से हैं, बाकी सब जहाँ मैं तैयारी कर रहा था वही रह गए थे। ये 12वां मेरा मॉक टेस्ट है। ये फिर आ जाता है 13वें मॉक टेस्ट पे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 200 में से 81 मार्क्स आने स्टार्ट हो गए थे गाइस। तो पहले मॉक टेस्ट से 13वें मॉक टेस्ट में आप फ़र्क देख सकते हो, 21 से 81 मार्क्स तक मैं पहुंच गया था। तो ये आप देखोगे किस तरीके से मैं सॉल्यूशन किया करता था इसका टेस्ट का। ये इस टाइप से सिविल इंजीनियरिंग के जो भी क्वेश्चन मेरे से नहीं होते थे वो मैं मार्क कर लेता था, या जो भी रोंग हो जा रहे हैं, फिर रोंग होने जैसे रोंग हो गया तो फिर उसके बेसिस पे मैं उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे जाता था उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। जैसे ये इंक्लाइंड मैनोमीटर का एक क्वेश्चन था फ्लूड मैकेनिक्स का, तो मेरे से ये गलत हो गया था। तो मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे गया, कॉन्सेप्ट पढ़ा इंक्लाइंड मैनोमीटर का, कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर पहले मैनोमीटर पढ़ा, फिर इंक्लाइंड मैनोमीटर पढ़ा, फिर सारी चीज़ें इंक्लाइंड मैनोमीटर से रिलेटेड चीज़ें देखी, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए, फिर उसको उन क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की इंक्लाइंड मैनोमीटर से रिलेटेड। सो इस तरीके से मैं किया करता था, आप भी इस तरीके से कर सकते हो और आपको मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा मॉक टेस्ट लगाने का। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन ये मेरा रॉन्ग हुआ, जैसे वॉल्यूम बाई ट्रेपेजॉइडल फार्मूला, तो ट्रेपेजॉइडल फार्मूला या वॉल्यूम निकालने के जो भी डिफरेंट फार्मूलाज हैं सर्वेइंग में, तो वहाँ आप मैंने डिफरेंट फार्मूलेज पढ़े, उन फार्मूले के बेसिस पे जो भी फार्मूला पूछा गया प्रीवियस ईयर में वो देखा, और उन पे जो भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते थे उनका कॉन्सेप्ट वाइज, उनका डेरिवेशन वाइज सारी चीज़ें देखी। ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हो इन प्लेन टेबलिंग द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेज डायरेक्टली, तो ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था उस टाइम पे। फिर मैंने बाद में प्लेन टेबलिंग का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से पढ़ा, और कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए। तो मेरा सिंपल रहता था, पहले जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उस क्वेश्चन को मार्क कर लेता था मैं, फिर उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा और कॉन्सेप्ट के बेसिस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने थे उसके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने होते थे। तो इस तरीके से मैं अपनी तैयारी कंटिन्यूसली कर रहा था। तो ये मेरा 13 मॉक टेस्ट था। अभी ये बहुत सारे मॉक टेस्ट मैंने और भी लगाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ही मेरे पास हैं। जैसे ये 14 मॉक टेस्ट था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आंसर की मिल जाया करती थी, ये इस तरीके से आंसर की मिल जाती थी। तो इसके बेसिस पे ही ये मैं खुद ही अपने क्वेश्चन पेपर रूम पे आके चेक कर लेता था, और उसके बेसिस पे ही जो भी मार्क्स मेरे आते थे वो लिख दिया करता था। ये आप देख सकते हो मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पर हैं। तो इसके लिए ये मॉक टेस्ट की जल्दी मेरी चल रही थी, और ये 15 मॉक टेस्ट, तो मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाए हुए थे। तो गाइस आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और आप अच्छे से तैयारी करते रहेंगे, और यहाँ से आपको थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिली होगी कि आपके मार्क्स बिल्कुल कम भी आ रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है, एकदम तैयारी छोड़ नहीं देनी है। प्रैक्टिस, जैसे कि एक कोट भी है, प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट, सो आपको प्रैक्टिस करते रहना है उसके थ्रू। जैसे ही आप मॉक टेस्ट लगाते हो, मैंने आपको बताया, पहले ही बताया कि जैसे ही जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे आपको जाना है, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, उससे रिलेटेड डेरिवेशन पढ़ना है, और उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैक्सिमम बेनिफिट आप किस तरीके से ले सकते हो, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हो प्रीवियस ईयर का, वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। सो वहाँ से आप जाकर आप वो वीडियो देख सकते हो। आपको क्विट नहीं करना है, प्रैक्टिस करते रहना है, मॉक टेस्ट लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, मॉक टेस्ट को एनालाइज़ कीजिए कि कहाँ पर आपसे गलती हो रही है, उस गलती को सुधारिए, और सेम गलती को बार बार आपको रिपीट नहीं करना है, इतना आपको करते रहना है। और आई होप कि आपका सिलेक्शन जल्दी होगा, और आप हम लोग जल्दी मिलेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, कीप स्टडिंग, कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।